अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्मार्ट स्पोर्ट पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कज़ाफी स्टेडियम तकरीबन तमाम का तमाम जो है वो डिमोलिश किया जा रहा है। और क्या पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी अब होने वाली है और क्या ये वक्त पर मुकम्मल हो पाएगा, इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट जहांज़ेब खान और शकील खटक। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आया ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है या नहीं, और ये जो कज़ाफी स्टेडियम की इस टाइम की सूरत हाल है, इसमें कज़ाफी स्टेडियम वक्त पर मुकम्मल होता आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। साहब से हम पूछते हैं कि अपग्रेडेशन के वाले से क्या न्यूज़ अपडेट है आपके पास? यार अपडेट तो बहुत ज़्यादा है, फिलहाल दुआ करनी चाहिए हम लोगों को क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी मेरी एक इंजीनियर से बात हो रही थी, मैंने कहा मुश्किल क्या लग रहा है आपको? यार वो भाई देखें तो सही, यहाँ पे ये कज़ाफी लग रहा है आपको? ये कज़ाफी है, मुझे ईमानदारी से बताएं क्या ये कज़ाफी स्टेडियम है? ये ना दुबई शिफ्ट करने की तैयारी है। क्या लग रहा है ये कज़ाफी स्टेडियम? ओ भाई मुझे तो मलबे का ढेर लग रहा है भाई, क्या हो गया भाई? इमाम मानते बाद चेक करना क्या होगा, ये 360 स्टेडियम होगा कज़ाफी। मुझे तो ऐसे लग रहा है ये दुबई शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। अच्छा सबसे पहले इनिशियल हम इन्फॉर्मेशन दे दें अपने फैंस को कि यहाँ पर डिसाइड हुआ था कि पिछले हमारे अकब में ना मेन बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, एक वो, एक फजल महमूद और एक इमरान खान इन्क्लोजर। जो चेयरमैन ने खुद ऐलान किया था कि हम ये सिर्फ तीन चीज़ें करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मेन बिल्डिंग है उसका बनता था, वहाँ पे जो जिस तरह का सिस्टम बना हुआ था वो था ही नहीं है। मेन इवेंट आ रहा है वो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जहाँ से आपने पैसा कमाना है। ना आपके पास हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस थे, ना आपके पास कोई ऐसी सीटिंग की जगह थी जहाँ पर आप उसको महंगे बेच सकें, तो वो चलो हो जाना था। लेकिन उसके बाद अचानक ही हमने देखा कि 6 इन्क्लोजर गिरा दिए गए, एक यहाँ पर जो स्क्रीन के नीचे लगे हुए थे और एक इस साइड के ऊपर जो स्क्रीन के नीचे माजिद खान के नीचे, 6 हो गए। हमने कहा चलो यार ये तो छोटे मोटे इन्क्लोजर थे, ये गिरा भी देंगे ना तो ये भी जल्दी ओवरकम हम कर लेंगे। लेकिन अंदर अचानक ही जब चेयरमैन फैसलाबाद आए तो उन्होंने कहा कि मैं कज़ाफी के पूरे इन्क्लोजर ही गिरा दूंगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि सिर्फ जहाँ पर हम मौजूद हैं सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी, जो मीडिया बॉक्सेज हैं जहाँ पर और प्लेयर्स की जो ऊपर हमारा एरिया है ना, यहाँ पर प्लेयर्स की फैमिलीज़ बैठती हैं, सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा, बाकी तमाम तर जितना भी ये एरिया है ना कज़ाफी का वो गिराया जाएगा। वो क्यों गिराया यार, ये इतने बड़े इवेंट की तैयारियां ना भाई। और भाई इवेंट की तैयारी करनी तो साल पहले तैयारी की जाती है, 3 महीने पहले आपने तैयारी करनी है, कौन सी तैयारी है यार? पूरी करके देनी आप देखे। अच्छा ठीक है, पहले मायूस ना ना हो आप। मैं मायूस नहीं हूँ भाई, मैं मायूस ना ना करें प्लीज। मैं नहीं देखें देखें, आपको इन इन्क्लोजर की गिराने की हकीकत बताता हूँ जो शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। वो ये है कि आप जो इसको बड़े एक लंबे अरसे से फॉलो कर रहे हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट, वो ये भी जानते होंगे कि ये जो स्टेडियम है जिसको कज़ाफी स्टेडियम कहते हैं, ये पहले कज़ाफी स्टेडियम नहीं था, ये क्रिकेट का स्टेडियम नहीं है, ये इसमें तमाम तर खेले होती थी। और ये जो आप स्टैंड्स देख रहे हैं जो आप गिराए जा रहे हैं, ये इसलिए गिराए जा रहे हैं, ये टेक्निकली ये जो इन्क्लोजर्स हैं ये गलत है। अब वो जो गलतियाँ थीं, आप अगर आप इसमें बैठ के व्यू देखें तो वो बहुत दूर नजर आता है। गलतियाँ सुधारने के लिए एक सेकंड, ओ भाई एक सेकंड। MCG ने आपने मैचेस कवर किए होंगे मेलबर्न में, वहाँ पे कौन कौन सी गेमें होती हैं? सारी गेमें होती हैं। अगर मेरी बात भाई सारी गेमें होती हैं, मेरी बात सुन लेते तो आपको आपको आपकी बात का जवाब मिल जाता। जी जी, ये इन्क्लोजर जो है वो टेक्निकली गलत बने हुए हैं। अच्छा, अब ये इन्क्लोजर तोड़ के ये इन्क्लोजर थोड़े आगे जाएंगे और इनकी हाइट थोड़ी इंक्रीज की जाएगी ताकि व्यू जो है वो क्रीम नजर आए। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें स्टेडियम इस तरह से बनता है कि जो आपका आखिर पे बैठा हुआ शख्स है उसको भी उसी तरह का व्यू नजर आए जिस तरह का आगे वाले को नजर आता है। तो ये टेक्निकली इंक्लोजर गलत बने हुए थे और इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अब नया बनाया जा रहा है। होल्ड ऑन, यहाँ पर जो हमारे फैंस देख रहे हैं ना इस वक्त ये वीडियो, उनमें से मेजॉरिटी ने जो लाहौर के हैं उन्होंने यहाँ पर कज़ाफी में बैठ के मैच देखा होगा। मैंने भी यहाँ पर इन आखिरी वाले के ऊपर बैठ के मैच देखा हुआ है, मुझे ऐसे ही नज़र आता है, परफेक्ट व्यू नज़र आता है। अरे एक सेकंड, ओ भाई एक सेकंड, और मुल्तान गए हों और वहाँ पे बैठ के आपने मैचेस देखे हों फिर आपको एहसास होगा कि कज़ाफी स्टेडियम गलत बना हुआ है। भाई मेरे सुनिए, जो व्यू सबसे ख़राब है ना वो स्क्रीन के नीचे जो 3 इन्क्लोजर हैं और पीछे इन्क्लोजर है, इसी तरह से जो माजिद खान इन्क्लोजर्स है और इसके पीछे 3 इन्क्लोजर्स हैं, सबसे ख़राब व्यू इस टाइम भी उन इन्क्लोजर्स का था। अच्छा आप बताएं क्यों तोड़ रहे हैं, आप बताएं। ठीक है, बस मोहसिन साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तो कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी, यहाँ पर
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो स्टील स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ये शोर बहुत ज़्यादा है इस वक्त क्योंकि ये यहाँ पर रमीज राजे इंक्लोजर से करीब मौजूद हैं और इसको तोड़ने का काम जारी है। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं कि यहाँ पर हम स्टील स्ट्रक्चर बनाएंगे क्योंकि जो न्यू ईयर का स्टेडियम बना है वो 3 महीने के अंदर बना और उसका तमाम तर जो काम था वो स्टील स्ट्रक्चर का था, लेकिन क्या हम देखते हैं कि वो उसके बाद गिरा दिया जाता है। अब हमारा एक सेकंड होल्ड ऑन, मेरा एक सवाल ये है, होल्ड ऑन, अगर आपने स्टील स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर इनको तोड़ने की जरूरत क्या है? आपके पास टाइम इतना ज्यादा कम है, अगर आपने इनको किसी और स्ट्रक्चर पे शिफ्ट करना है तो उसके लिए ये मौजूद टाइम नहीं है। मेरे भाई, एक इंजीनियर से बात हुई है, मेरे भाई मैं सिर्फ, मेरे कहने का मकसद यही है, थोड़ा जब मैनु मार ना देना, गर्मी भी बड़ी है। अच्छा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो स्टील स्ट्रक्चर है मैं उनसे बेड़ा करावा, जो स्टील स्ट्रक्चर है उसका खर्चा डबल हो जाता है। कैसे डबल हो जाता है? ये आपने, ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके ऊपर कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं आते। आपने एक बार लगा दिया, कुर्सी इंस्टॉल कर दी है, अब आपको सिर्फ कुर्सी पानी से धोना है जब गंदी हो जाएगी। इसके अलावा आपका कोई इसके ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस नहीं आते। स्टील का ये है कि आपके पाकिस्तान में 4 किस्म के मौसम आते हैं, गर्मी भी है, सर्दी भी है, बाहर भी है, खजाम भी है, हर तरह का मौसम आता है, नमी वाला मौसम भी आता है। अब नमी वाला मौसम स्टील स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा ख़राब होता है, ठीक है, वहाँ पे स्टील के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अब सुनिए तो सही, आगे भी है ना, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, आगे पूरी बात एक बार सुन लीजिएगा फिर आपको मेरी सारी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब स्टील स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया है, आपने उसको पेंट भी करते रहना है मुसलसल, वो वाला पेंट करना है, आपने उसको जंग से भी बचाना है, मतलब इन शॉर्ट ये हुआ कि आपका खर्चा डबल नहीं ट्रिपल हो गया हुआ है। जबकि आप अगर ये वाला कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कंक्रीट की तो आपका खर्चा एक बार होना था। ये बताएं ना फिर, हाँ। आपका कहने का मकसद ये है कि नहीं, अभी नहीं, कोई जवाब नहीं दूंगा, नहीं अभी कोई जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, अभी देखें, अब 12 अरब 80 करोड़ आपका टोटल बजट था, ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि ये बजट बढ़ जाएगा। आई डोंट नो एग्जैक्ट सिचुएशन की इस वक्त क्या है, बजट कितना हो गया है। कजाफी के लिए आपने पूरे 7 अरब मुख्तस कर दिए, क्या आपके ख्याल में 7 अरब के अंदर ये काम हो जाएगा? क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ये कजाफी का ये वाला एरिया नहीं बन रहा, कजाफी के बाहर वाटर टैंक भी बना रहे हैं, आप सीवरेज सिस्टम भी बना रहे हैं, आप वहाँ पे पार्किंग का सिस्टम भी बना रहे हैं, आप पूरा कजाफी लिबर्टी की तरफ से आ जाएं और फिरोजपुर रोड की तरफ से आ जाएं, दोनों तरफ से आपने खोद डाला, तो वो भी खर्चा एस्टीमेट करना है आपने, तो ये खर्चा 7 अरब यहाँ पर लगे। अगर आपने 7 अरब यहाँ पर लगा दिया और 7 अरब भी एक बार नहीं लगाए, आपने उसके ऊपर बार बार काम भी करना है, आपने उनकी मेंटेनेंस भी करनी है, तो क्या बेहतर ना होता कि आप चैंपियंस ट्रॉफी गुजार लेते और उसके बाद ये काम कर लेते हैं? कहना क्या चाहते हैं इतना बजट क्यों इंक्रीज किया जा रहा है, ये तो जरा कहना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि हम दुआ करो कि चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी हो जाए। हमें हम किसी सूरत नहीं चाहते कि चैंपियंस ट्रॉफी में किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर शिफ्ट करनी पड़ जाए, क्योंकि आई थिंक 1996 के बाद पाकिस्तान के पास ICC का एक पहला इवेंट आ रहा है, मेजर इवेंट आ रहा है, और ये हम सब पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि इसी कजाफी स्टेडियम के ऊपर विराट कोहली चौके मारे और शाहीन ने उसकी किल्ली उड़ाए, कम से कम मेरी ये ख्वाहिश है। अबे सुनिए तो सही ना भाई, अभी तो शाहीन कोहली को आउट करा ना, बैटिंग तो आने ना, हमारी बैटिंग नहीं आई ना। फिर बाबर साहब आते हैं, जैसे यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी मारी थी T20 क्रिकेट में, आपको याद होगा, और उस दिन हमने बड़ा इन्जॉय किया था, वहाँ उस साइड से बाबर खेल रहे थे और यहाँ पर कवर ड्राइव के ऊपर चौका लगाकर उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की थी। सेम बाबर आजम वैसी इनिंग्स खेले यहाँ पर, तो हम सारे पाकिस्तानियों की, आपकी भी, इनकी भी, मेरी भी यही ख्वाहिश है। अब लेकिन सवाल इस वक्त सबसे बड़ा यही है कि अल्लाह करे कि कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट नहीं होता तो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी दो पर लग जाएगी। इंजीनियर साहब ने क्या बताया वो बताया ना, मैंने दबे अल्फाज में सारी बातें बता दी, आपने नोट नहीं किया, नहीं क्या जो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई थी मैंने दबे अल्फाज में सारी बातें बता दी अंदर। आपके मुताबिक ये स्टेडियम नहीं पूरा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही है? उम्मीद है, इस वक्त 50-50% है, उम्मीद है, वो भी कह रहे हैं कि उम्मीद है, उम्मीद अच्छे की रखो, हमने कि हम तो अच्छे की उम्मीद लगाए, यानी कि डील हो गई है, ICC का वफद आया है, तीनों स्टेडियम में से होके गया, उसकी क्या रिपोर्ट है? वो अगली वीडियो में देंगे, नहीं वो पिंडी स्टेडियम और कराची स्टेडियम से तो हुआ है, देखें कुछ खबरें अंदर की आ रही है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके मुताबिक ICC के वफद यहाँ पर किए जाने वाले सिक्योरिटी के इंतजाम पर खुश है, ठीक हो गया, सिक्योरिटी पर खुश है, सिक्योरिटी पे तो हमेशा ही वो खुश रहे हैं क्योंकि हमारी टॉप क्लास सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पे तो हमेशा खुश रहते हैं वो। सवाल असल बात बताएं कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से, बाकी जो होटल अरेंजमेंट्स हैं उस हवाले से मेरा कजाफी स्टेडियम, मैं वही मैंने देखे, अकलमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, मैंने कहा कि सिक्योरिटी की पर खुश हैं,
यानी कि वो यहाँ से खुश नहीं जा रहा, और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो दुबई शिफ्ट हो रही है या श्रीलंका शिफ्ट हो रही है, अल्लाह ना करे। अच्छा कहाँ होगी? अगर पाकिस्तान में नहीं होगी तो आपकी नज़र में कौन सी ऑप्शन है? अल्लाह ना करे, ऐसा सोचो भी ना। आप खुद कह रही है पूरे, मैंने कब कहा? आपने कहा स्टेडियम पूरा। मैंने कहा अच्छे की उम्मीद रखो। अच्छे की उम्मीद हम भी रख रहे हैं, लेकिन आप डबल फास्ट में ये भी कह रहे हैं कि स्टेडियम नहीं पूरा। अच्छे की उम्मीद रखो, अगली वीडियो में मुलाकात होती है सुहेल साहब, अगले अच्छे की उम्मीद रखो, बाकी बातें हम बता देंगे फिर इंशाल्लाह।